बोकारो विधानसभा सीट का मुकाबला इस बार बड़ा रोचक होने वाला है। भाजपा विधायक ब्रिंजी नारायण इस बार हैट्रिक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाने को आतुर हैं, तो वहीं इस बार फिर से कांग्रेस ने ब्रिंजी नारायण को आउट करने के लिए श्वेता सिंह को मैदान में उतार दिया है। पर इन दोनों के कारवां को रोकने के लिए जयराम महतो ने यहाँ से सरोज कुमारी को अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। जयराम महतो की प्रत्याशी सरोज कुमारी और भाजपा प्रत्याशी ब्रिंजी नारायण यहां दोनों पहले से ही मैदान में उतर चुके थे, मगर कांग्रेस ने नामांकन खत्म होने की अवधि के 17 घंटे पहले सोमवार रात करीबन 10 बजे अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। उसके बाद यह तीनों प्रत्याशी बोकारो के जंग में उतर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस बोकारो की जंग में और देखते हैं कि इस बार किसके सर पर सजने वाली है जीत का ताज। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर श्वेता कुमारी है कौन जिसे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। श्वेता सिंह समरेश सिंह की बहू है जो बोकारो विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। तो वहीं श्वेता सिंह भी कांग्रेस की टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, मगर वह चुनाव हार गई थी। पर इस बार फिर से कांग्रेस ने श्वेता सिंह पर ही अपना भरोसा जताया है। तो वहीं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दे कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने जिस सरोज कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया है वह एक क्लर्क है और जयराम की पार्टी में ज्वाइन करने से पहले वह गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो की विधायक प्रतिनिधि थी और उनके पति पेशे से एक शिक्षक हैं और वह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं ब्रिंजी नारायण के बारे में आपको शॉर्ट में बता दे, उन्होंने 2 बार बोकारो विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर अपनी किस्मत आजमाई है और दोनों बार वह चुनाव जीत गए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार के चुनाव में किसकी जीतने की संभावना है। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखना होगा, क्योंकि उस चुनावी परिणाम से काफी कुछ स्पष्ट नजर आता है। धनबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बोकारो विधानसभा सीट से इस बार भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को 1,67,044 वोट मिला था, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को 1,21,041 वोट मिले थे। यानी इस विधानसभा सीट पर भाजपा को 64,903 वोटों से लीड मिली थी, जो ब्रिंजी नारायण के लिए सुखद खबर है। तो वहीं इस सीट पर सबसे ज्यादा बार भाजपा ने चुनाव जीता है। इसके पीछे की वजह यहां का जाति समीकरण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोकारो विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, महतो, मांझी और राजपूत मतदाताओं का दबदबा है। यहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 14%, राजपूत मतदाताओं की आबादी 12%, महतो और कुर्मी की आबादी 7%, मांझी की आबादी 4% और भूमिहार की आबादी 3% है। इसके अलावा आदिवासियों की भी अच्छी आबादी है। इस वजह से ही भाजपा के लिए इस सीट को जीतना आसान है, मगर इस बार हो सकता है कि भाजपा वहां से चुनाव हार भी जाए। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस बोकारो विधानसभा सीट से उतरने की लालसा रख रहे थे, जिसकी झलक भी देखने को मिली थी। बोकारो में रायशुमारी की प्रक्रिया के दौरान विधायक ब्रिंजी नारायण और बीजेपी के ही कुछ नेताओं के साथ उनकी झड़प हो गई थी। इस मामला के खुलासा होने के बाद पता चला था कि भाजपा नेता भैया आर्यन ओझा ने अपने नाम को मतदाता सूची से हटाए जाने पर बवाल मचाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका नाम जानबूझकर के सूची से हटा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने मौजूदा विधायक ब्रिंजी नारायण का समर्थन नहीं किया था। इससे तो यही पता चलता है कि बोकारो में भाजपा 2 गुटों में बढ़ चुकी है। मगर चलिए, नेताओं तक की बात तो ठीक थी, यह तो पार्टी के अंदर होता ही रहता है, मगर ब्रिंजी नारायण को अपने क्षेत्र में जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा था। कुछ महीने पहले वह चास प्रखंड के सोनाबाद गांव के एक स्कूल भवन का शिलान्यास करने गए, जहां ग्रामीण ने उन्हें खदेड़ दिया। ब्रिंजी नारायण वहां से बिना शिलान्यास किए बैरंग लौट गए, लेकिन यह विरोध कोई छोटा विरोध नहीं था। ग्रामीणों ने विधायक के सामने ही उनका पुतला भी जला दिया। ग्रामीणों का कहना था कि विधायक पिछले 4 सालों से गांव का हाल जानने नहीं आए, अब जब इसी साल चुनाव होना है तो विधायक गांव का दौरा कर रहे हैं, स्कूल का शिलान्यास कर रहे हैं। ऐसे में इस बार ब्रिंजी नारायण की नैया बोकारो विधानसभा में तो डोलती नजर आ रही है, मगर अभी चुनाव में 15 दिनों का समय बचा है। अगर ब्रिंजी नारायण जनता के अंदर पनप रहे संतोष को सुलझा लेते हैं तो इस चुनाव में उनके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि अगर बोकारो विधानसभा में हुए चुनाव के पिछले आंकड़ों को देखें तो ब्रिंजी नारायण ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन वहीं वर्ष 2019 में उनकी जीत का अंतर काफी कम हो गया, जिसके कारण ही इस बार उन्हें पार्टी के अंदर से ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 2019 में इस विधानसभा में हुए चुनाव के आंकड़ों को अगर देखें तो ब्रिंजी नारायण जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे और 1,12,333 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे,
तो वहीं दूसरे नंबर पर श्वेता सिंह रही थी जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें 99,020 वोट मिले थे। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए कांग्रेस ने इस बार फिर से श्वेता सिंह पर भरोसा जताया है, क्योंकि अगर श्वेता सिंह अगर बिरिंची नारायण के नाकामियों को गिनाने में सफल हो जाती है और अपने विजन को लोगों तक पहुंचा देती है तो श्वेता सिंह भी जीत के आंकड़ों तक पहुंच सकती है, क्योंकि श्वेता सिंह मात्र 13,313 वोटों से पीछे रह गई थी और इस बार अगर जयराम की पार्टी अपनी दमखम लगाती है तो फिर श्वेता सिंह के लिए रास्ता और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सरोज कुमारी के मैदान में उतरने से इस बार जीत का मार्जिन कम होने वाला है। और वहीं अगर 2014 में हुए चुनाव के आंकड़ों को देखें तो बिरिंची नारायण भाजपा की टिकट पर ही चुनाव लड़े थे और 1,14,321 वोटों के साथ चुनाव जीते थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर समरेश सिंह थे जो निर्दलीय चुनाव लड़कर 41,678 वोट लाए थे। वहीं तीसरे नंबर पर मंजूर अंसारी थे जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 28,286 वोट ला पाए थे। इसके बाद अगर 2009 में हुए चुनाव के आंकड़ों को देखें तो उस वक्त समरेश सिंह जेबीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 53,757 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर इजराइल अंसारी थे जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और 37,442 वोट ला पाए थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर शैलेंद्र महतो थे जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 34,759 वोट ला पाए थे। अगर बोकारो में अभी तक के हुए चुनावी आंकड़ों को देखें तो बोकारो में जनसंघ और बीजेपी का दबदबा रहा है। बोकारो विधानसभा क्षेत्र 1977 में अस्तित्व में आया। इससे पहले चास और जरीडीह के नाम से क्षेत्र के विधायक अपने जनप्रतिनिधि को चुनते थे। शुरुआती तौर से इस क्षेत्र में जनसंघ और बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। वहीं दो बार रामगढ़ परिवार के सदस्य शशांक मंजूरी भी चुनाव में विजय रहे। बोकारो विधानसभा में आजादी के बाद से लेकर आज तक किस पार्टी के किस नेता ने कब चुनाव जीता, स्क्रीन में आप इस लिस्ट को रोक करके देख सकते हैं। इसे हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगर इसे हम बताते हैं तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यह था बोकारो विधानसभा का पूरा समीकरण, पर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस बार बोकारो में जीत का ताज किसके सर सजेगा। क्या श्वेता सिंह और सरोज कुमारी भाजपा प्रत्याशी बिरिंची नारायण को हैट्रिक लगा पाने से रोक पाएंगे या फिर बिरिंची नारायण हैट्रिक लगा कर एक नया इतिहास रचेंगे। इसी के साथ अगर यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।